क्रिश्चियन साइंस ईयर 2019-20 क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व करने वाले हैं, जो कि जॉब असाइनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए कंपनी हैज 4 मशीन्स टू टू थ्री जॉब्स, ईच जॉब्स कैन बी असाइन टू वन एंड ओनली वन मशीन्स, द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब ऑन ईच मशीन्स इज गिवन बिलो, डिटरमाइन द जॉब असाइन व्हिच इज मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। सो ये पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ जॉब इज 3 एंड 4 नंबर ऑफ मशीन आर असाइंस। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप है रॉ रिडक्शंस। मैंने सेम डाटा यहाँ पे लिख लिया है, नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ मशीन्स, ABCD। सो इन केस ऑफ रॉ रिडक्शन हमको रॉ मिनिमम पहले निकालना है। सो इस रॉ में मिनिमम जो है वो 18 है, द नेक्स्ट वन इज 8, द नेक्स्ट वन इज 10। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। 18 माइनस 18 डेट इज 0, ये हो गया 6, नेक्स्ट हो गया 10, 32 माइनस 18 से ये हो गया 14। सिमिलरली 8 माइनस 8 डेट इज 0, 13 माइनस 8 5, 17 माइनस 8 9, 18 माइनस 8 10, लास्ट वन 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 डेट इज 5, 19 माइनस 10 9 एंड 22 माइनस 10 डेट इज 12। सो रॉ रिडक्शन के बाद हम लोग कॉलम रिडक्शन करेंगे। सो कॉलम में जो कॉलम मिनिमम लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है। सो पहला जो रॉ है, सॉरी कॉलम जो है वो रिमेन सेम रहेगा, 0 0 0। नेक्स्ट वन इज 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। नेक्स्ट इज 9, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0। सो नेक्स्ट है 14 माइनस 10, ये हो गया 4, 10 माइनस 10 0 एंड लास्ट वन इज 12 माइनस 10 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रॉ एंड कॉलम रिडक्शन करेंगे। सो रॉ रिडक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको आइडेंटिफाई करना है रॉ में कितना जीरो है। मोर देन 1 0 रहेगा वी जस्ट एलिमिनेट और जस्ट स्किप दिस पर्टिकुलर स्टेप्स। सो पहले रॉ में देखोगे आप लोग 1 2 3 इसको नाम देते हैं, दिस वन इज ABCD। सो पहला रॉ में एक ही जीरो है, सो मार्क ए स्क्वायर मार्क एंड एलिमिनेट द कॉलम। सो रॉ को सिलेक्ट करके कॉलम वाइज एलिमिनेट करना है। सेकेंड रॉ में देखेंगे मोर देन 2 नंबर ऑफ जीरो आर देयर, जस्ट स्किप दैट पर्टिकुलर स्टेप। सिमिलरली थर्ड स्टेप में मोर देन 1 0 आर देयर, सो स्किप द स्टेप। देन हम लोग कॉलम स्कैनिंग करेंगे। सो पहला कॉलम एलिमिनेट हो चुका है, बी कॉलम में 2 0 है, सी कॉलम में 2 0 है, डी कॉलम में 1 0 है। सो इसको मार्क करके रॉ वाइज एलिमिनेट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रॉ। सो नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना है, 0, सॉरी 1 एंड 2। सो 2 इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रॉ 3 है। सो दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द लीस्ट वैल्यू फ्रॉम द मैट्रिक्स। सेकंड है एट द लीस्ट वैल्यू एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। सो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। सब्ट्रैक्ट द लीस्ट वैल्यू फ्रॉम द अनडिलीटेड सेल वैल्यूज। सो दीज आर अनडिलीटेड सेल वैल्यूज एंड अदर वैल्यूज रिमेन सेम। सो ये जो वैल्यू रहेगा बाकी आपका सेम रहेगा। सो आइए इसको लिख लेते हैं। ये अदर वैल्यूज है इंटरसेक्शन पॉइंट में, 1 जो लीस्ट वैल्यू है 1, यहाँ पे लिख लेते हैं लीस्ट वैल्यू इन दिस प्रॉब्लम वी हैव दैट इज 1। सो 1 शुड बी एडेड हियर, other value remains same, this value remains same, this value remains same, this value remains same, subtract the least value from the undeleted cell. तो ये undeleted cell है 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, सो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा रॉ स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग करेंगे।
सो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3, ये हो गया ए बी सी एंड डी। सो पहले रो में देखेंगे मोर देन 1 0 है, स्किप दैट स्टेप। सेकेंड रो में भी मोर देन 1 0 है, स्किप दैट स्टेप। सो ये दोबारा देखते हैं, पहला रो में मोर देन 1 0 है, स्किप दैट स्टेप। रो टू में मोर देन 1 0 है, स्किप दैट स्टेप। रो थ्री में एक ही 0 है, सो मार्क दिस वन एंड एलिमिनेट द कॉलम। सो रो स्कैनिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद कॉलम स्कैनिंग आते हैं। पहला कॉलम एलिमिनेट हो चुका है, सेकंड कॉलम में मोर देन 1 0 है, थर्ड कॉलम में मोर देन 1 0 है एंड फोर्थ कॉलम में एक ही 0 है। सो एलिमिनेट द रो टू। सो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ असाइनमेंट, यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ असाइनमेंट इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। सो असाइनमेंट यहाँ पे 2 है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, दैट इज 3। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑप्टेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स। थैंक यू।